नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। बिहार के इन 5 शहरों को जोड़ा जाएगा गैस पाइपलाइन योजना। बिहार के हर किसान का होगा खास यूनिक आईडी। पंचायत चुनाव को लेकर अब किसी भी वक्त हो जाएगी तारीख की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीईएल ने ट्रेनी इंजीनियर के पद पर निकाली भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बैंगलोर परिसर के लिए अनुबंध के आधार पर ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत कुल मिलाकर 511 पदों को भरने की कवायद हो रही है, जिसमें ट्रेनी इंजीनियर के 308 और प्रोजेक्ट इंजीनियर के 208 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित इंजीनियरिंग विषयों इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार ENT, दूरसंचार में प्रतिष्ठित संस्थान विश्वविद्यालय से BE, BTEC की 4 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए। हॉकी में पदक जीतने पर भारतीय टीम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। बीते दिन भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल रहा, जहां कई खिलाड़ियों ने भारत के नाम एक एक मेडल पक्का कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी को लेकर 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है, जिसके बाद टीम को देश के कोने कोने से बधाई संदेश भेजे जा रहे थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हॉकी की विजेता टीम को शुभकामनाएं दी, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर हॉकी के खेल में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर और भारत का नाम रोशन करते रहे, ऐसी मेरी कामना है। बिहार में सौर ऊर्जा से अगले साल होगा 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन। नवीन और नवीनकीय ऊर्जा के मामले में बिहार को पहली बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। बिहार में सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया करवाया जाएगा। इस बाबत बिजली उत्पादन के लिए 4 कंपनियों का चयन इसी महीने करने की संभावना जताई गई है, जो कि आने वाले 25 सालों तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर 13 अगस्त को फाइनेंशियल बिड पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। फिलहाल इस परियोजना के लिए NTPC, सतलज जल विद्युत निगम, अवाडा एनर्जी और SKPL ने रुचि दिखाई है। इसके राज्य में करीब 1250 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के हर किसान का होगा खास यूनिक आईडी। बीज निगम की पहल के बाद अब बिहार के किसानों का यूनिक आईडी बनाने की तैयारी हो रही है। इस बाबत बिहार राज्य बीज वितरण निगम बीजों के वितरण और संग्रहण प्रणाली को पारदर्शी बना रहा है। इस बाबत निगम सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए किसानों के लिए सहूलियत बढ़ाने जा रहा है। इसको लेकर लेजर सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से प्रत्येक कलेक्शन सेंटर पर अलग अलग सीजन के लिए सभी किसानों को एक ही पंजीयन संख्या निर्गत होगा। अब एक किसान को स्थायी रूप से एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी। इसी आईडी के आधार पर किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसी यूनिक आईडी की मदद से बीज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा, जिससे निगम को भी अब बीज कलेक्शन देखने में सहूलियत होगी। 56,000 करोड़ की लागत में बनेंगे 1530 किलोमीटर लंबे 7 NH। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भारतमाला 2 में 7 नई सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को जल्द ही भेजी जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 1530 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं इसके निर्माण में करीब 56,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है, जिसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन के दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 7 NH के निर्माण की केंद्र सरकार की अनुशंसा भेजी जाएगी। इसमें इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने आगे बताया कि केंद्र की मंजूरी मिलते ही भू अर्जन की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी जाएगी। NH का निर्माण होते ही दक्षिण बिहार से दिल्ली की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बिहार में इन 5 शहरों को जोड़ा जाएगा गैस पाइपलाइन योजना से। राज्यसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में बिहार के 5 नए शहरों को भी गैस पाइपलाइन योजना में शामिल करने का ऐलान किया है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान को शामिल किया गया है। इसको लेकर जल्द ही बिडिंग की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार शहरी घरों में पाइप से घरेलू गैस की आपूर्ति योजना के तहत मई 2021 तक पटना के 31,624 घरों में पाइप से गैस कनेक्शन दिया जा चुका है।
शनिवार को मंडल दिवस मनाएगी राजद। शनिवार को राजद मंडल दिवस मनाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार राजद इस दिवस को भव्य तरीके से मनाने वाली है। इस दौरान राजद भाजपा की उस नीति के खिलाफ सड़कों पर विरोध करेगी, जिसके तहत भाजपा जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। मंडल की राजनीति लालू यादव के जमाने से चलती आ रही है। मंडल राजनीति के तहत ही लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी और उन्हें पुलिस के हवाले किया था। हालांकि जानकारों की माने तो अब लालू प्रसाद यादव इसकी कमान तेजस्वी को सौंपने वाले हैं। वहीं शनिवार को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार की सभी जिला मुख्यालय में राजद की ओर से जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने और मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांग होगी। इसके लिए राज्य के हर जिले में पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 2 जुलाई 1948 को हुआ था। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में से हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। उन्हें पहले सम्मान नागार्जुन सम्मान, इसके साथ ही फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार थोड़ सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक धनवा इन दिनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत है। बिहार के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए आएंगे दिल्ली से ट्रेनर। देश के कई राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक इसे संभावित तीसरी लहर की चेतावनी मान रहे हैं, जिसके तहत ही अलग अलग राज्यों में भी अब अलर्ट मोड में काम होने लगा है। इसी कड़ी में बिहार में भी संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। चूंकि ये लहर बच्चों के लिए ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है, ऐसे में बिहार सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत दिल्ली NHSRC के ट्रेनर को बिहार के सभी आशा और ANM को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जा रहा है। दिल्ली NHSRC के ट्रेनर बिहार के लगभग 90,000 हेल्थ वर्कर को ट्रेन कर हर स्तर से संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करवाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग की माने तो संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी बहुत पहले ही की जा चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर अब किसी भी वक्त हो जाएगी तारीख की घोषणा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन सब के बीच उम्मीदवारों के साथ साथ आम नागरिकों को भी पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि कभी भी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, जिसके तहत ही अब आयोग की तरफ से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग जल्द ही कैबिनेट में रखने वाला है। जैसे ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पटना में ऐसे 100 बसों की रद्द होगी परमिट। DTO की मनमानी के कारण अवैध रूप से पटना में लगभग 100 बसों का परिचालन हो रहा है। ये ऐसी बसें हैं जो सड़क से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में फर्राटा भर रही हैं। अफसरों की औचक निरीक्षण के बाद इस बात का खुलासा हुआ है, जिस पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 100 बसों की परमिट रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। इस बाबत CCTV कैमरे के साथ साथ सुरक्षा के अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह और SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ ISBT का निरीक्षण भी किया। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही प्रदेश में 6 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की ट्रफ लाइन फिरोजपुर, संगरूर, दिल्ली, सीधी, गया, मालदा, त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर गुजर रही है। ऐसे में बिहार के अधिकांश स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की पूरी संभावना है। गलत जवाब देने वाले अधिकारियों को दी गई चेतावनी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है, जिसके बाद अब जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान 100% उत्तर प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया है।
जिसके तहत दूसरे स्तर के दौरान 100% जवाब भी आए हैं, लेकिन अगर इस दौरान किसी अधिकारी ने जानबूझकर किसी सवाल का गलत जवाब दिया होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। इस बाबत विधानसभा ने सभी अध्यक्षों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी सवाल का गलत जवाब दिए जाने की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत सीधे सीधे की जाए। विधानसभा अध्यक्ष खुद इस मामले में संज्ञान लेंगे। मामला संज्ञान में आते ही आरोपी अधिकारी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मामले की हकीकत को जानने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्होंने शताब्दी वर्ष समारोह को 15 अगस्त के बाद आयोजित कराने की बात भी कही है। कोरोना के बावजूद बिहार में जीएसटी से हुई शानदार कमाई। बिहार में कोरोना ने काफी तबाही मचाई है। कोरोना के कारण लंबे समय तक सभी काम ठप भी पड़े रहे, जिसके बाद जानकार यही उम्मीद जता रहे थे कि शायद इसका असर राजस्व पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो इसके ठीक उलट है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति कोरोना काल के पहले से भी अच्छी आई है। मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में जुलाई महीने में सीजीएसटी और एसजीएसटी के माध्यम से 1263.99 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो कि साल 2019 के जुलाई महीने की तुलना में 113.69 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि साफ है कि बिहार के संदर्भ में जारी जीएसटी संबंधी आंकड़े कोरोना पर भारी दिख रहे हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना काल की वजह से बाजार पर आंशिक बंदिश के बावजूद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। बिहार में लगातार बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि निचले गांव के अलावा अब राजधानी पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि सरकार लगातार प्राकृतिक आपदा से लोगों को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले, जिसके बाद उन्होंने पटना, गया, जहानाबाद और नालंदा के जिलाधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को लोगों की सहायता के लिए पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बाढ़ के कारण जिन भी किसानों के फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बात भी दोहराई है। बिहार के शिल्प कलाओं को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। दूसरे राज्यों की तर्ज पर बिहार की शिल्प कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने को हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इस बाबत हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के अंतर्गत उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है, जिसकी मदद से बिहार की प्रमुख शिल्प कलाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के साथ ही बिहार की युवा उद्यमिता को भी पहचान मिलेगी। आपको बता दें, यह पहला मौका है जब उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के साथ शिल्प कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर समझौता हुआ है। इसके साथ ही बिहार के शिल्प कलाकारों को समय के साथ अपडेट करने को लेकर उन्हें हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के तहत ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाएगा। आज बिहार पहुंचेंगे जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार ललन सिंह राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार ललन सिंह आज दोपहर तक पटना पहुंच जाएंगे। वहीं पटना पहुंचने से पहले ललन सिंह युवाओं को साधने का काम शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि 18 से 25 साल की उम्र के युवा साथियों, आप लोगों ने जब से होश संभाला है सिर्फ नीतीश जी के सुशासन को ही देखा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर और आस पड़ोस के बुजुर्गों के पास बैठकर उन दिनों की को जान लीजिएगा। यदि आपको वर्तमान और भूत में अंतर नजर आए तो पार्टी से जुड़कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दीजिएगा। बिहार के वित्त मंत्री ने केंद्र के वित्त मंत्री से की मुलाकात। बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच बीते दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन से शिष्टाचार मुलाकात की, जहां पर दोनों मंत्रियों ने राज्य के वित्तीय मामलों के संबंध में विमर्श जारी किया है। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को अवगत कराते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे की सीमा राज्य घरेलू उत्पाद का 4% निर्धारित है, जिसमें 3.5% बिना शर्तों के एवं 0.5% शर्तों के साथ निर्धारित की गई है। जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को ऋण उगाही हेतु राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% बिना शर्त के साथ स्वीकृत किया जाए। पटना हाईकोर्ट में तेज प्रताप मामले में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को इशू फ्रेम कर अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पराजित उम्मीदवार विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती दी है, जिसमें
सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि तेज प्रताप यादव ने चुनाव के लिए जारी किए गए नामांकन पत्र में जानबूझकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितम्बर को तय की गयी है। 15 अगस्त के बाद चिराग यूपी में करेंगे दौरा। हाल ही में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के तहत अपने चौथे चरण के दौरे को खत्म किया है, जिसके बाद अब चिराग जल्दी उत्तर प्रदेश में भी अपना कुनबा बढ़ाने के इरादे से उतरने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में किए गए आशीर्वाद यात्रा के बाद अब चिराग पासवान 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश दौरे पर निकलने वाले हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, भदोही और मिर्जापुर जिले में चुनावी दौरा करेंगे। उसके बाद चिराग की इस यात्रा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। जानकारों की माने तो चिराग उत्तर प्रदेश चुनाव का हिस्सा बनने के लिए दौरे की शुरुआत अभी से ही कर रहे हैं। हालांकि चिराग चुनाव का हिस्सा कैसे बनेंगे, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। कोरोना नेगेटिव हुए कृणाल पांड्या लौटे स्वदेश। श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले T20 मैच के दौरान कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि अब राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके तहत ही लगभग 6 हफ्तों के बाद उनकी स्वदेश वापसी हो गई है। आपको बता दें, दूसरे T20 मैच के दौरान कृणाल पांड्या संक्रमित पाए गए थे, जिसके कारण T20 मैच को स्थगित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कृणाल पांड्या के संपर्क में आए सभी खिलाड़ियों को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया था, जिसके कारण ही भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ियों को मैच के दौरान बाहर बैठना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टीम के खेल पर इसका काफी असर देखने को मिला था, जिसके कारण ही उन सभी को श्रीलंका में ही रोक लिया गया था। हालांकि अब राहत की बात यह है कि कृणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जारी हुआ पत्र। बिहार में जातीय जनगणना की मांग लगातार उठाई जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार के अंदर ही दो धरों में पार्टियां बटी नजर आ रही है। जहां एक तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा विरोधाभास की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जदयू इस मुद्दे पर जोर शोर से बात करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अब जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र जारी किया है। जानकारी के अनुसार जारी किए गए पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने समय की मांग की है, ताकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर सके। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करके जातीय जनगणना की मांग करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1986 में भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना आज के दिन की गई थी। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35A का समापन और नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख का गठन, स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल K.M. चांडी का जन्म भी आज के दिन 1921 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर A.G. कृपाल सिंह का जन्म 6 अगस्त 1933 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का निधन 6 अगस्त 1925 को हुआ था। भारतीय राजनीतिक एवं दलित नेता सूरज भान का निधन भी 6 अगस्त 2006 को ही हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,460 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम 104.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.96 रुपए प्रति लीटर था। अब व्हाट्सएप में फोटो वीडियो देखते ही हो जाएंगे डिलीट। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया फीचर रोल आउट किया है, जिसका नाम व्यू वंस है। व्यू वंस फीचर को इनेबल करके भेजे गए मैसेज देखे जाने के बाद अपने आप ही रिसीवर के चैट विंडो से गायब हो जाते हैं। जिस कॉन्टैक्ट को आप व्यू वंस फीचर के साथ फोटो या वीडियो सेंड करना चाहते हैं, पहले उसे आप सिलेक्ट करें, कॉन्टैक्ट की चैट विंडो में जाएं और नीचे मौजूद टेक्स्ट बॉक्स में दिए गए अटैचमेंट आइकॉन पर टैप करें। अटैचमेंट आइकॉन पर टैप करने के बाद फोन की गैलरी में उस फोटो या वीडियो को सिलेक्ट करें जिसे आप सेंड करना चाहते हैं। फोटो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद वो चैट विंडो में इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपको सेंड आइकॉन की बाई तरफ एक टाइमर का आइकॉन दिखेगा। इस आइकॉन को आपको टैप करना होगा। इस आइकॉन के अंदर एक लिखा होगा जो यह बताता है कि यह व्यू वंस इनेबल करके भेजा गया मैसेज है और एक बार ओपन होने के बाद यह डिलीट हो जाएगा। व्यू वंस फीचर वाले मैसेज को रिसीवर मैसेज के साथ ही लगे आइकॉन को देखकर भी पहचान सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है उजाला चौधरी, मनीष मोहरा, एके सिंह, आनंद कुमार, रोहित कुमार, पवन कुमार सिंह, गौतम कुमार, मिथुन कुमार पंडित, मुस्कान कुमारी, विपिन कुमार, सत्यम कुमार, राजीव कुमार, विकी प्रसाद,
आनंद कुमार, रुस्तम कुमार, धीरज कुमार, मोहम्मद असलम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान मामलों को देखते हुए बिहार सरकार का प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल खोलने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।